DHM Music presents DHM Music। मेहरबानो, एक बात कहां से कि वो गोपी चंद महाराज अपनी माँ के कारण इतना जोग ले लेता है और अपने गुरुजी तनु बोला के गुरुजी मेरा जोग सफल हो गया कि बोला नहीं कद हो के जो तेरी रानी पाटम दे है जो तेरी बिहत्ता है उसने माँ का कभी भीख मांग के लाओगा जब तेरा जोग सफल होगा। मेहरबानो बोला काचे कान लहू टपका गुरु ने मुंद्रा पहराई और भीख मांगने चाल पड़ा गोपी चंद ने जोड़ी ठाई। गोपी चंद महाराज अपने महलों की तरफ चलता है जोग लेने के लिए और दोनों के आपस में सवाल जवाब होते हैं। उस समय की बात, अलोक निरंजन कौन महाराज, आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगी, जरा देखूं तो सही कौन महाराज। गोपी चंद्र वो भी इस भेष में? हाँ देखिए महाराज, आप एक राजा हो और राजा हो के ऐसे ही वस्त्र धारण कर रखे आपने, ये शोभा नहीं देता महाराज आपको। मैं राजा कभी था, आज मैं एक बाबा जी हूँ। अच्छा। और माई तेरे दरवाजे पर आस लेके आया हूँ, मेरे को एक मुट्ठी भिक्षा चाहिए, भिक्षा दे दीजिए मुझे। भिक्षा? हाँ देखिए महाराज, हाँ बहुत से सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो जिसे मेरा याद होंगे उसे दूंगा, लेकिन बस मेरा तो काम यो है कि मैंने को भिक्षा चाहिए, तेरे हाथ एक मुट्ठी भिक्षा दे दे, मेरा जोग सफल हो जाएगा। अच्छा जोग? हाँ देखिए महाराज, हाँ आपको भिक्षा चाहिए महल के ऊपर आके ले जाइए। साधु का काम नहीं ऊपर जाने का, ये काम तो घरवारिया के आकर मैं बाबा जी हूँ, आपको भिक्षा देनी है। आपके दरवाजे पे एक साधु आया है, आस लेके आया है आपको। महाराज जिन्ने पर कचड़ के आ जा, दो मुट्ठी भीख ले जा। रानी जिन्ने पड़ के चरण का ही मेरा टेम ना रहा, तू नीचे आके भिक्षा दे जा। मेरी बात सुनिए महाराज, सुना दे। बहुत अच्छे
हाथी के साथ होए बिने कौन दिखा दे तरीके सफर का मुका मार लिए रतू ओ करनी चाहती करी अक्का कड़ा खड़ा जू सम्मान करते नाम तो बताए नहीं दोनों कलाकारों का मान सम्मान किया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद है धन्यवाद रानी महाराज हाँ कभी आप इस धारा नगरी को संभालने वाले एक छत्तरधारी राजा हुआ करते हैं अच्छा और आज इस भस्मे में से महाराज ये शोभानी मेरी बात सुनिए जी महाराज जब मैं राजा होया करता जब धारा नगरी ने संभाला करता लेकिन मेरी माँ के कहने तो मैंने जोग ले लिया अच्छा और आज मेरा जो फर्ज है वो साधु वाला फर्ज है फर्ज नहीं महाराज सबसे बड़ा फर्ज होता है गृहस्थी का गृहस्थी का फर्ज तो होता है लेकिन गृहस्थी वाले नाते तो बहुत पाछे रह लिए पाछे हाँ महाराज इतनी रानियाँ ये छोटे 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 छोटी एक कन्या है हाँ। ये किसके लागेगी देखिये सबका राम रुखाड़ा वो है नहीं महाराज और ये काम का घर बारी आ गया वहाँ तो बाबा जी हो लिया बाबा जी हो लिए हाँ किसने पूछ के मेरी माँ ने जोग दिला दिया रानी माँ ने जोग दिला दिया तेरी माँ ने मोड़ बंधवाया सर पे जब नहीं दिखा महाराज दिखा तो था लेकिन एक पुत्र का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए उसने मुझे जन्म दिया है यदि मेरी माँ नहीं होती तो मैं इस संसार में नहीं आ सकता था लेकिन महाराज हाँ आपका कुछ फर्ज बनता है कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है अच्छा मेरी बात सुनिए किस प्रकार से क्या होता है ये मेरे भाई हरिओम 50-50 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद दिया जाता है धन्यवाद कैसे Oh, oh, oh.
दोनों कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। राज करनी।